देर पहले ही अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर अब से ठीक एक घंटे पहले एक पोस्ट डाला था और उन्होंने बुर्के में महिलाओं की चेकिंग को लेकर आईटी कार्ड की पुलिस द्वारा चेकिंग को लेकर ही सवाल उठाया था और उन्होंने कहा था कि जो भी पुलिस अधिकारी वोटर कार्ड और आधार आईटी चेक कर रहे हैं उन्हें तुरंत निलंबित किया जाए क्योंकि उनके पास ये अधिकार नहीं है। लेकिन अभी आपने मुस्लिम मतदाताओं की भी राय सुन ली है। अब सीसामऊ सीट की भी बात कर लें। आज जिन 9 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें कानपुर के सीसामऊ सीट भी है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की जेल की सजा होने के बाद यहां उपचुनाव हो रहे हैं। 7 साल की जेल के बाद इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई थी। समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया जबकि बीजेपी ने सुरेश अवस्थी पर दांव लगाया है। बीएसपी ने वीरेंद्र शुक्ला को मैदान में उतारकर चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। आज सीसामऊ में लोग किन मुद्दों को लेकर वोट डालने पहुंचे ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता रुचि कुमार ने। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट का ये साइकिल मार्केट है और यहाँ पर वोट पड़ना शुरू हो गया है। लोग वोट डालने आ रहे हैं, वोटर्स भी हमारे साथ हैं। आज जो वोट है ये कितना, आप ये तो बाय इलेक्शन है, इसको कितना जरूरी मान रहे हैं? वोट देना तो हमारा जो है वो अधिकार है और ये बहुत जरूरी है। बाय इलेक्शन हो या नॉर्मल इलेक्शन हो, वोट तो हर वोटर को डालना चाहिए। ये संविधान ने हमें अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार दिया है तो उसका तो हमें सम्मान करना चाहिए और वोट जरूर डालना चाहिए। आपका नाम? कमर अहमद। अच्छा, जैसे ये वोट यहाँ पड़ रहा है किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है? परेशानी ये कि एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। जो रास्ते पहले से खुले हुए थे वो रास्ते सब बंद है और हम लोगों को आने जाने में लॉन्ग रूट से आना पड़ रहा है। जो काम हम 5 मिनट में कर सकते थे वो काम हमें 15 मिनट में करना पड़ेगा। इतने सारे रोड हैं जो मोहल्लों से जो आ जाते थे करीब से वो सब बंद है रोड। अब ये लॉन्ग रोड से आना पड़ रहा है हम लोगों को, रक्से से आना पड़ रहा है, पैदल से बहुत दूर है। जो वॉकिंग डिस्टेंस था उसको करीब करीब बंद कर दिया है। इसका क्या असर होगा वोट पे? जैसे आज यहाँ वोट पड़ रहा है तो क्या किसी तरह से प्रशासन की तरफ से कुछ रोक टोक हो रही है? नहीं, फिलहाल तो ऐसा नहीं लगा। जो कि भी एक मैडम बोली कि डिस्टेंस थोड़ा लंबा कर दिया है, लोगों को आने में दिक्कत हो रही है। एटलीस्ट कुछ वृद्ध लोग हैं, जो उम्र दराज लोग हैं और जो महिलाएं हैं वो थोड़ा चलने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टेंस जो वहाँ पहले रोका है तो एटलीस्ट पोलिंग जो हमारा बूथ पोल है वहां तो जाने को परमिशन देनी चाहिए। हमारे सहयोगी शोएब रजा कुंदरकी से, विशाल प्रताप सिंह फूलपुर से और साथ ही रुचि कुमार सीसामऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में इला कासमी गाजियाबाद से भी हमारे साथ लाइव जुड़ जाएंगी। सबसे पहले कुंदरकी का रुख कर लेते हैं। शोएब, हाजी रिजवान जो यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है वो तो पुलिस वालों से अच्छी खासी बहस करते हुए भी नजर आए। बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज अगर कहें इलेक्शन कुंदरकी का नजर आ रहा है। बिल्कुल, इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं रामवीर सिंह, उनका जो प्रभाव है मुस्लिम एक तरीके से मतदाताओं में इस बार काफ़ी नज़र आ रहा है क्योंकि वो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार हालांकि वो हार चुके हैं यहाँ से, लेकिन तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं और प्रचार के दौरान हमने देखा कि काफ़ी वो मुस्लिम मतदाताओं को लुभाते नज़र आए और इस वक्त यहाँ पर भी मौजूद है क्योंकि ये JLM इंटर कॉलेज का जो बूथ है यहाँ पर बहुत सारे जो वोटर है वो यहाँ पर मौजूद है और खुद जो रामवीर सिंह है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो जो भी इल्ज़ाम है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, उस पर एक तरीके से जवाब भी लेने की उनसे कोशिश करेंगे क्योंकि सुबह से कई तरह की बातें कही गई। हालांकि पुलिस ने उनको नकारा है कि किसी तरह नहीं, यहाँ अगर तस्वीर दिखाओ तो स्मूथली जो वोटिंग है वो हो रही है, लोग आ रहे हैं आराम से और यहाँ पर बात कर रहे हैं। रामवीर जी, ये बताए चूंकि आप प्रचार भी करते नजर आए, आज वोटिंग का दिन है, आप जा भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट कई तरह के आरोप लगा रहे हैं कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, आप लोगों ने एक लाल पर्ची छपवाई है, ये क्या है? कहीं लाल पर्ची आपको मिले तो दिखाइए। चुनाव आयोग ने जो पर्ची जारी की है उसके आधार पर वोटिंग हो रही है और जो कैंडिडेट भी हैं, मैं भी कैंडिडेट हूँ और भी कैंडिडेट हैं जो अपनी सादा पर्ची बनवा के बस्ते में रख देते हैं उससे भी वोटिंग हो रही है। ये समाजवादी के जो लोग हैं इन्होंने बहुत जुर्म और जास्ती मुसलमानों के खिलाफ की है, वो आक्रोश निकल रहा है। या तो आदमी वोट डालने नहीं जा रहा या वोट डालने जा रहा है तो हमें दे रहा है। जो लोग वो दर्शाना दिखा रहे हैं, यहाँ कोई मुस्लिम, सब मुस्लिम खड़े हैं, कोई एक मुस्लिम हो जिसे वोट डालने नहीं गया, वो उन्होंने बिलारी के लोग बुला लिए,
बिलारी के। आप लोगों ने वोट डाल दिया? जी जी वोट डाल दिया। परेशान किया? उसने परेशानी नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, निष्पक्ष होया, कोई बोगस वोटिंग नहीं हो रही है। ईमानदारी से जो भी पर्ची लेकर वोट पड़ रहा, बोगस वोटिंग नहीं होगी, बस ये साइड इलेक्शन है। मुसलमान हम सब मुसलमान है, मुस्लिम सब वोट दे रहे हैं। पिछले 15 साल में इन्होंने छवि बनाई है अपनी, मिलन सार वाली छवि बनाई हिंदू मुस्लिम वाले जी, तो रात भर यही गाते देखो बात सुनो देख रहे हैं। मैं पूछ चेयरमैन हूँ, वही मौजूदा चेयरमैन है कुंदर की के। अब आप देख लो जो सारे जितने खड़े सब मुसलमान है और रामवीर सिंह के साथ है, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। ये हारने वालों को आरोप लगाना, ये रामवीर सिंह को वोट पड़ेगा, रामवीर सिंह को वोट। अब आपने सुन लिया, देखिए मुस्लिम मतदाता भी दिखाई दे रहे हैं, वो कह रहे कोई बोगस वोटिंग नहीं हो रही है। अब आप किनके आरोपों को सही ठहराएंगे? यहाँ पर मतदाता अगर खुद कहे कि कोई बोगस वोटिंग नहीं, बड़े साफ सुथरे तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। आप फूलपुर में भी इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। विशाल, और बड़ी दिलचस्प बात यह है, भले ही मुकाबला दो पार्टी के बीच में कड़ा हो, लेकिन 12 प्रत्याशी फूलपुर से मैदान में हैं। फूलपुर की जनता के बीच में क्या मुद्दे हावी हैं? मीनाक्षी समय हम फूलपुर में ही मौजूद हैं। बहुत वीआईपी सीट मानी जाती है, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां से 3 बार सांसद रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यहां से सांसद रह चुके हैं। और इस बार की स्थिति यह है कि पिछला विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जो यहां पे जीता था वो महज 2500 वोट से जीता था, और लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो 2024 में भी हुए हैं उसमें अगर फूलपुर विधानसभा की बात कर लिया जाए तो 15,000 से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट यहां से आगे थे। तो जो चुनाव है बहुत दिलचस्प हो गया है। पूर्व विधायक रह चुके हैं मुस्तफा सिद्दीकी, वो समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट हैं। पूर्व विधायक दीपक पटेल पूर्व सांसद के बेटे हैं, वो भी यहां से प्रत्याशी हैं। फूलपुर की जनता क्या कह रही है? मीनाक्षी, सीधा फूलपुर की जनता से बात कर लेते हैं। यंग वोटर्स हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ देर पहले उन्होंने वोट किया है। क्या नाम है आपका? ऋषि शेखर। ऋषि भाई, आप बताओ कि ये मुद्दे क्या है फूलपुर के? बटोगे तो कटोगे इस तरीके के नारे न सिर्फ उत्तर प्रदेश से शुरू है, महाराष्ट्र तक पहुंच गए, इन नारों का यहाँ असर है क्या? यहाँ असर बटोगे कटोगे असर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर बेरोजगारी और विकास को देखकर वोट पड़ रहा है कि जिस प्रकार से देश में बेरोजगारी है और विकास नहीं हो पा रहा है उसी को देखते हुए वोट हो रहा है। क्या नाम है आपका? मोहिनी देवी। आप बताइए, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मोदी जी योगी जी हमेशा उत्तर प्रदेश की तारीफ करते हैं, आप बाहर निकलती हैं तो क्या आपको डर लगता है? जी नहीं, नहीं लगता है। नहीं, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी जी को 100 में से कितने नंबर देंगे? 100 में 100 ही दिए जाए 100 में 100। मतलब उनके कामकाज से आप लोग संतुष्ट हैं? चाहते हैं कि मतलब सरकार जो चल रही है वो बनी रहे या कुछ बदलाव चाहते हैं? जी, अब नौकरी मिले बच्चों को, बस यही लगता है। नौकरी मिले लेकिन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर 100 में 100 नंबर है। क्या नाम है भैया? राम सजीवन। वोट दे दिया आपने जी? क्या मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के? हर घर में 1-2 बच्चे बेरोजगार हैं। अलग अलग मुद्दे हावी हैं फीफा मऊ से इस वक्त। रुचि कुमार भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुचि, कौन से मुद्दे फीफा मऊ में हावी रहे, यहाँ का मुकाबला कैसा है? ये सीसा मऊ एक ऐसी सीट है जो 9 सीट पे जो चुनाव हो रहे हैं उपचुनाव यूपी में, बीजेपी जो बड़ी चुनौती वाली सीट मान रही है उनमें से एक सीसा मऊ है, क्योंकि करीब 25 साल से यहाँ पर बीजेपी का विधायक नहीं है। जो इरफान सोलंकी हैं वो यहाँ से 4 बार विधायक रह चुके हैं, 3 बार तो इसी सीट से सीसा मऊ से रहे, उनके पिता भी यहाँ हरिनगर सीट से 2 बार के विधायक थे, तो अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पूरी ताकत लगाई है, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए, उन्होंने सभा की, रोड शो किया, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इस सीट के इंचार्ज हैं, उन्होंने सभाएं की, केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर आए, तो बीजेपी ने इस सीट पर पूरी ताकत लगाई है कि जो इतने साल से वो सीट नहीं जीत पा रही वो इस बार जीत ले। अब किन मुद्दों पे वोट पड़ रहा है, हमारे साथ कुछ वोटर्स भी हैं। नाम क्या है आपका? रुचि, मैं ये बीच में आपको रोक रही हूँ।